नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्व जनन्यै नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। भक्तों, आज हम माता लक्ष्मी की महिमा का वर्णन करेंगे। माता लक्ष्मी एक ऐसी देवी हैं कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से इनका ध्यान लगाता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देती हैं। भक्तों, माता लक्ष्मी की अनेकों ही रोचक कहानियाँ हैं, उनमें से कुछ कथाओं का वर्णन हम यहाँ करेंगे। माता लक्ष्मी को धन धान्य की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष प्रावधान है। अक्षय तृतीया व दीपावली के दिन लक्ष्मी ओम गणेश जी का पूजन किया जाता है। भक्तों, माता लक्ष्मी जिन भक्तों पर कृपा करती हैं, उनके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता लक्ष्मी के कुछ चमत्कारों की ये रोचक कहानियाँ। श्री चरणों में करके वंदन करते हैं हम महिमा वर्णन, माता लक्ष्मी कृपा करना धन के भंडारे भरना। जिन भक्तों पर हो तेरी कृपा टिक नहीं सकती वहाँ दरिद्रता, जो सच्चे हो भक्त तुम्हारे आज सुनाई। भक्तों सुनो लगा कर ध्यान, लक्ष्मी मैया का गुणगान। भक्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार व साहूकारनी रहते थे। उनके तीन बेटे थे। साहूकार बड़ा ही धर्म परायण था। रोज सुबह उठकर स्नान आदि करता और सूर्य को जल देता तथा माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करता। ऐसा कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ यदि हम नारायण को भी पूजते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, तो उससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। भक्तों, साहूकार का गुजर बसर बड़े ही आराम से हो रहा था। साहूकार को हमेशा साफ सफाई पसंद थी। भक्तों, उसके ही विपरीत साहूकारनी बड़ी ही आलसी थी। वो ना तो सुबह जल्दी उठती, ना ही साफ सफाई पर ध्यान देती, घर में झाड़ू पोछा तक नहीं करती थी। भक्तों, साहूकार उसे समझाता कि घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, किंतु साहूकारनी पर उसकी बातों का कोई असर ना होता था। भक्तों, साहूकार की जो है पत्नी वो तो आलसी जाने कितनी, सो कर ना कभी उठे सवेरे। समझाई रखनी चाहिए साफ सफाई, जिनका घर हो सुथरा साफ है, रोज सवेरे तुम उठ जाओ, स्नान करो बच्चों को कराओ, स्वच्छ हो घर का चूल्हा चौका, काम पे वो चला जाए कहकर टाल दे कोई बहाना, गलती। भक्तों, इस प्रकार साहूकार की पत्नी साहूकार की बातों को टाल देती। वो ना तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और ना ही बच्चों को कराती। उसका घर बहुत ही गंदा रहता। पड़ोस की औरतें भी उसके घर में ना आती थी। भक्तों, क्योंकि साहूकारनी घर को साफ सुथरा नहीं रखती थी। बच्चे भी मैले कुचैले कपड़ों में रहते थे। भक्तों, पड़ोस के भी बच्चे उनके साथ खेलने से मना कर देते। धीरे धीरे साहूकार के घर में दरिद्रता आने लगी थी। भक्तों, उसका काम धंधा भी ठप होने के कगार पर था। साहूकार उसे समझाता कि यह तेरी साफ सफाई ना करने के कारण ही हुआ है। साहूकारनी पर फिर भी कोई असर ना हुआ। फिर साहूकार ने
माँ लक्ष्मी से विनती की कि हे माता, आप ही से सद्बुद्धि दें। और एक दिन भक्तों चमत्कार ही हो गया। साहूकारनी बाजार से कुछ सामान खरीद कर ला रही थी भक्तों। आते आते उसे अंधेरा हो गया, किंतु उसने हाथ में लालटेन दे रखी थी। रास्ते में उसे एक औरत मिली और कहने लगी, सुन लो बहना, मैं हूँ अकेली, मुझको समझो अपनी सहेली, अपनी लालटेन मुझे दिखाओ और रास्ता पार कराओ। चलते चलते हुआ अंधेरा, ना कोई संगी साथी मेरा, मुझे रास्ता पार कराओ अपनी लालटेन की रोशनी में उस औरत को रास्ता पार करा दिया। रास्ते में बातें होती रहीं। साहूकारनी बोली, बहन तुम कौन हो और इस गांव में क्या करने आई हो? वो औरत कहने लगी, भक्तों मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। यहाँ मेरी बहन ब्याही है, किंतु चलते चलते मुझे अंधेरा हो गया, तो अपनी सहेली समझ कर मुझे रास्ता पार करा दो। साहूकारनी ने लालटेन की रोशनी में रास्ता पार करा दिया भक्तों। दोनों आपस में सहेली बन गईं। तब माता लक्ष्मी बोली, बहन तुम कभी मेरे घर आना। और साहूकारनी को अपने घर का पता देकर चली गई भक्तों। अगले दिन साहूकारनी माता लक्ष्मी के घर गई और देखा कि घर में बड़ी ही साफ सफाई है। साहूकारनी माता लक्ष्मी से कहने लगी, माँ लक्ष्मी की आई घर में, साहूकारनी लगी है कहने, बड़ी है घर में साफ सफाई, की है या करवाई। माँ लक्ष्मी कहने लगी, बहना स्वच्छ चाहिए घर सदा रहना, घर में होती इससे बरकत रहे साफ सुथरा घर तब तक। साहूकारनी लगी है कहने, ऐसी सफाई साहूकारनी के कहने पर माता लक्ष्मी उसके घर में आई और देखा ना तो घर में झाड़ू पोछा किया है और ना ही साफ सफाई है भक्तों। बच्चों ने भी मैले कुचले कपड़े पहन रखे हैं। माता लक्ष्मी कहने लगी, बहना चलो तुम घर की साफ सफाई करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह से घर साफ रखा जाता है। माता लक्ष्मी साहूकारनी को बताती गई और साहूकारनी ने पूरे घर की साफ सफाई की और खुद भी स्नान करके साफ कपड़े पहने और बच्चों को भी स्नान कराकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए। फिर गोबर से लिपाई करी, चूल्हा चौका किया और माता लक्ष्मी के लिए भोजन भी बनाया भक्तों। इस तरह माता लक्ष्मी उसके घर रोज आने लगी थी भक्तों। साहूकार देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसका कारोबार भी चल निकला। जब साहूकार की हालत ठीक होने लगी तो पड़ोस की औरतों ने देखा, साहूकारनी के घर ये कौन औरत आती है। एक पड़ोसन आकर बोलने लगी, कौन सहेली तुमने बनाई जो करवाती साफ सफाई, पहले तो हमने है देखा।
माता लक्ष्मी साहूकारनी के घर आई तो साहूकारनी बोली, बहन लक्ष्मी तुम आज मेरे घर रुक जाओ। माता लक्ष्मी कहने लगी, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं रुकती, फिर तुम्हारे घर कैसे रुक जाऊं। पर साहूकारनी उसे हाथ पकड़कर बलपूर्वक चौकी पर बिठा दिया। तब माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए भक्तों। उस दिन के बाद से साहूकार के घर में धन धान्य की कोई कमी ना रही और साहूकारनी भी माता लक्ष्मी के भक्त बन गए भक्तों, और घर में रोज साफ सफाई करके माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। इसी तरह भक्तों माता लक्ष्मी के चमत्कार की एक और कथा है, आइए श्रवण करते हैं। माँ लक्ष्मी की ये है कहानी, कथा है भक्तों बड़ी पुरानी। किसी गांव में एक मंदिर था, पुराना माँ लक्ष्मी का। सरिता नामक एक थी कन्या, काम है जिसका फूल बेचना। माँ लक्ष्मी मामा फूल बेचकर ही अपना गुजारा किया करते थे। मामा फूल खरीद कर लाता और माला बनाकर सरिता को दे देता, जिन्हें सरिता माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर बेचा करती थी। वो खाली समय में मंदिर की साफ सफाई भी करती और सुबह शाम माता लक्ष्मी की आरती में शामिल होती थी भक्तों। एक दिन एक सेठ जी आया और कहने लगा, मेरी बेटी की शादी है, घर को सजाने के लिए बहुत से फूल चाहिए। सरिता कहने लगी, सेठ जी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो आपके घर के लिए फूल ला सके। पास में फूल बेचने वाला कोई और ना था तो सेठ जी ने कुछ रुपया सरिता को दिया और कहने लगा, मेरी बेटी की शादी में फूलों की माला बनाकर ले आना। सरिता ने अपने मामा को बताया और सेठ जी का दिया हुआ रुपया अपने मामा को दे दिया। जब बेटी की शादी का दिन आया तो सरिता का मामा बहुत सारे फूल खरीद कर उनकी मालाएं बनाकर एक बैलगाड़ी में लेकर चल दिया भक्तों। साथ में सरिता भी थी, किंतु रास्ते में बहुत कीचड़ था, उनकी बैलगाड़ी धंस गई। निकालने का प्रयास किया पर निकली नहीं भक्तों। कुछ गांव वालों को बुलाकर धक्का लगवाया तो बैलगाड़ी ही पलट गई और सारे फूल कीचड़ में गिर गए थे भक्तों। सरिता और उसका मामा बहुत ही उदास हुए और सेठ जी से जाकर माफी मांगने लगे थे भक्तों। कहने लगी, हम फूल तो लाए, सबकी बना दी थी मालाएं, किंतु गिर गए सबकी चढ़ में। क्रोध बढ़ा उस सेठ को आया, बोला मेरा पैसा है खाया, अब मैं किससे फूल मांगाऊं। सुनकर दोनों डर गए, वो चुपचाप ही अपने घर गए। क्रोध सेठ का भी तो चित है, ने दी दस्तक है। सुबह सरिता जब मंदिर आई, अपनी दुकान है बिखरी पाई, जिसे सेठ ने तोड़वा दिया है, भर बदला लिया है। भक्तों सेठ जी ने जैसे तैसे अपनी लड़की की शादी तो कर दी, अगले दिन सरिता की दुकान को भी तुड़वा दिया और मंदिर के पुजारी को कहा, यदि उस लड़की और उसके मामा ने यहाँ फूल बेचे तो तुम्हें भी मंदिर में नहीं रहने दूंगा। जैसे ही सरिता दुकान पर आई भक्तों, तो उसने देखा कि दुकान तो टूटी ही पड़ी है। वो समझ गई सेठ ने ही तुड़वाई होगी। वो परेशान होकर माँ लक्ष्मी के मंदिर में गई और माँ लक्ष्मी से माफी मांगने लगी। कहने लगी, हे माँ लक्ष्मी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हम फूल तो खरीद कर लाए थे किंतु सब कीचड़ में गिर गए। अब सेठ जी ने मेरी दुकान भी तुड़वा दी, हमारा पेट
कैसे पलेगा, गुजारा कैसे होगा। इतनी देर में पुजारी आकर बोला कि तुम आज के बाद मंदिर में मत आना, नहीं तो सेठ जी मुझे भी नहीं रहने देंगे। इतना सुनकर सरिता बहुत मायूस हो गई थी भक्तों और अपने मामा के साथ घर आ गई। अगले दिन जब पुजारी मंदिर गया तो मंदिर के पट भी नहीं खुले। पुजारी ने गांव वालों को बुलवाकर पट खोलने की कोशिश की किंतु पट नहीं खुली। थक हार कर सब वापस लौट गए थे भक्तों। ऐसे 3 दिन बीत गए, मंदिर के पट नहीं खुले। और मंदिर के पुजारी दोनों ने सरिता और उसके मामा से क्षमा याचना की। पुजारी कहने लगे, बेटी जब तक तुम जाकर मंदिर के पट नहीं खोलोगी तब तक मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। इतना सुनकर सरिता, पुजारी और सेठ जी के साथ माता लक्ष्मी के मंदिर पर सरिता ने ज्यों ही द्वार पर हाथ रखा, पट अपने आप खुल गए थे भक्तों। सरिता बड़ी ही प्रसन्न हुई और पुजारी तथा सेठ ने महालक्ष्मी से माफी मांगी। ऐसी ममता मई है माता। इसी प्रकार भक्तों, माता लक्ष्मी के चमत्कार की एक और कथा सुनाते हैं आपको। किसी गांव में एक किसान है और उसकी दो ही संतान है, दोनों ही है उनके बेटे। किसान अपने बेटों के साथ मिलकर खेती करता। वो जब भी फसल बेच कर आता अपनी दोनों बहुओं को बराबर बराबर हिस्सों में धन देता। कुछ धन वो माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देता। बड़ी बहू बहुत ही सुशील और गुणवान थी, इसके विपरीत छोटी बहू बहुत ही चालाक थी भक्तों। वो देखती कि उसका ससुर माता लक्ष्मी के मंदिर में पैसे रखता है। अब किसान चला जाता है तो छोटी बहू मंदिर में रखे हुए धन से कुछ धन चुरा लेती। एक दिन किसान ने देख लिया भक्तों, उसने किसी से इस बात का जिक्र ना किया और हाथ जोड़कर महालक्ष्मी से प्रार्थना की कि हे माता, मेरी छोटी बहू को सद्बुद्धि देना। इतना कहकर अगले दिन वो खेती करने चला गया भक्तों। तभी एक बुढ़िया ने उनके घर पर दस्तक दी। दोनों बहुएं बाहर आई। बुढ़िया बोली, मुझे भूख लगी है, यदि तुम मुझे भोजन बनाकर दे दो तो मैं बदले में तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगी। बड़ी बहू बोली, हे माता, मैं भोजन बनाकर लाती हूँ। छोटी बहू बोली, माता मैं भी आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। दोनों बहुओं ने बुढ़िया को भोजन कराया। छोटी बहू ने खीर बनाई, हलवा और पूरी भी लाई। बड़ी बहू जो लाई भोजन, हमने करा दिया है आशीर्वाद ना हमें।
भोजन करके जाने लगी तो छोटी बहू ने बोला कि आपने बोला था कि हमें मनचाहा आशीर्वाद देंगी। तब बुढ़िया बोली, हाँ मुझे याद है, तुम्हारे पास जितने गहने जेवर और धन है एक मटकी में रख कर ले आओ, मेरे आशीर्वाद से वो धन दुगना हो जाएगा। दोनों बहुएं अपने अपने जेवर और रखा हुआ धन मटकी में डालकर लाई। बुढ़िया ने दोनों मटकियों पर अपना हाथ रख दिया, बड़ी बहू की मटकी में तुरंत ही धन दुगना हो गया और छोटी बहू की मटकी मिट्टी से भर गई थी। भक्तों, छोटी बहू ये देखकर हैरान थी, वो कहने लगी, हे माता, मेरी मटकी तो मिट्टी से भर गई जबकि मेरी जेठानी का धन दुगना हो गया। मैंने आपको अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और मेरी जेठानी ने तो साधारण भोजन करवाया, ये क्या चमत्कार है। तब बुढ़िया बोली, तुम्हारी जेठानी के पास जो धन है सारा मेहनत की कमाई का है जबकि तुम्हारे पास जो धन है उसमें से कुछ धन चोरी का है। तुमने जो भोजन बनाया था वो चोरी के पैसों का है इसलिए तुम्हारी मटकी में मिट्टी भर गई। छोटी बहू तुरंत हाथ जोड़कर बुढ़िया के चरणों में गिर गई थी भक्तों और बोली, हे माता मुझे क्षमा करें। तब महालक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दे दिए भक्तों। इतनी ही शिक्षा दी काफी, छोटी बहू ने मांगी माफी, माता लक्ष्मी हो गई थी प्रसन्न। किसान की बात माता लक्ष्मी ने सुन ली और बुढ़िया के रूप में आकर उसकी छोटी बहू को शिक्षा भी दे दी। उस दिन के बाद से छोटी बहू ने ईमानदारी का रास्ता अपनाया और घर पर कभी भी पैसों की हेरा फेरी ना की, वो भी अपने ससुर और जेठानी की तरह माता लक्ष्मी की भक्त बन गई। भक्तों बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अम्बे माँ अष्ट भवानी, जय दुर्गे जग की कल्याणी। Oh,
बहन को भैया। बनाया
सब नमस्कार माँ। संकट पल में हर लेती, भाग्य विधाता बजरंग बलकारी।
पाते। गूंगा ऊंचे स्वर में गाता।
दाता। गृह में आए ओ
मैया उपजाए। जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय
वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ। रत्नाकर सागर एक राजा, प्रजा का पालक अखिल समाजा, एक ही दुख था मन में भारी, त्रेता युग की है ये कहानी, भक्त सुनो ये मेरी जुबानी। रत्नाकर मैया को मनाए, काली लक्ष्मी और शारदे, ते संतान मभव से तार दे, तप की नारत ना कर भारी, हुई प्रसन्न तीनों माताएं, रत्ना कर सन्मुख आ जाए, कहो रत्ना कर इच्छा मन की, लाज रखे हम तेरे वचन की। कृपा करो भवानी माँ, दे दो एक संतान, आप तीनों से मांगता मैया यही वरदान। जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ। तीनों देवियाँ ध्यान लगाए, शक्ति पुंज दी एक उपजाए, कन्या रूप शक्ति ने पाया, बैठाया एक वचन उससे भरवाया, कन्या जो भी चाहे करना उसको वही करने तुम देना। दिव्य अलौकिक कन्या पाई, त्रिकुटा कन्या नाम थी पाई, बचपन से भक्ति में रहती, राम नाम की पूजा करती, राम को पति रूप में चाहे, एक ही इच्छा मन में समाए, इस है तू भक्ति करती थी, राम नाम जापा करती थी। तप से प्रसन्न हो करके दर्श दिए प्रभु राम, त्रिकुटा ने भक्तों किया चरणों में प्रणाम। बोलो जय जय वैष्णो माँ, 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 बोलो जय जय वैष्णो माँ। त्रिकुटा बात मेरी सुन लेना, रूप बदल एक दिन आऊंगा, यदि मुझे पहचान जो जाओ, पति रूप में मुझको पाओ, कोई प्रसन्न फिर त्रिकुटा माई, राम भक्ति में थान समाए, राम नाम जप करती रहती, राम जी की वो प्रतीक्षा करती, खाना पीना भूल गई सब, रघुवर दर्शन दिखलाए कब, जागते सोते राम दियाए, राम भक्ति में समय बिताए, तापसी का फिर रूप था धारा, दुनिया से फिर किया किनारा, आंख बंद कर राम को ध्याए, राम ध्यान में समय बिताए, उधर लंका जीत के वापस आ रहे राम, त्रिकुटा सन्मुख आ गए संग लेकर हनुमान। बोलो जय जय वैष्णो माँ, 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 बोलो जय जय वैष्णो माँ। आंख बंद त्रिकुटा बैठी थी, राम के ध्यान मगन रहती थी, देवी कहकर राम पुकारे, त्रिकुटा राम नाम उच्चारे,
तापस भेष थे राम बनाए, त्रिकुटा फिर पहचान न पाए। जाओ साधु बाद में आना, मुझको राम का ध्यान लगाना। मैं ही हूँ रामा रघुराई, त्रिकुटा तुम पहचान न पाई। पति तुम्हारा बन ना पाऊं, सीता संग जीवन में बिताऊं। त्रिकुटा रो रो चरणों लागी, आए मैं कैसी हुई अभागी। स्वामी तुम्हें पहचान न पाई, कैसी किस्मत मैंने पाई। राम जी ढाढस बंधवाए, दिलवाए विश्वास। त्रिकुटा तुम्हारे कलयुग में पूर्ण करूंगा आस। बोलो जय जय विष्णु मां, 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 बोलो जय जय वैष्णो माँ। जाओ गुफा में अब तुम जाओ, हरि नाम का ध्यान लगाओ। तीनों देवियाँ रक्षा करेंगी, पिंडी रूप में संग रहेंगी। लांगुर करता रहे अगवानी, तप में कोई ना होवे हानि। कल की बन कल युग में आऊं, प्रभु की आज्ञा मान। त्रिकुटा गुफा में आन समान, हरि नाम का ध्यान लगाए, लांगुर बाहर पहरा लाए। लक्ष्मी काली शारद माई, पिंडी का फिर रूप बनाई। वैष्णो अदृश्य रूप थिपाई, त्रेता द्वापर बीत गया, मैया तप में लीन। कलयुग भगता आ गया, पाप ताप बढ़ ली। बोलो जय जय विष्णु मां, 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 बोलो जय जय विष्णु मां। कलयुग की अब बात बताऊं, हंसाली के गांव ले जाऊं। श्रीधर पंडित रहे यहां पर, वैष्णो नाम को वो गाता था, वैष्णो मैया को ध्याता था। बहुत गरीब था वो बेचारा, मन में उसके एक दिन आया, क्यों ना जागा मैं करवाऊं। और जाग के बाद में सारे पत्नी उसको थी समझाए, अन धन घर में कहां से आए। कहां भंडारा कर पाओगे, मैया आप संभालेंगी, रखेंगी मेरी लाज। जागा मैं करवाऊंगा, माता आज की रात। बोलो जय जय विष्णु मां, 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 बोलो जय जय विष्णु मां। सारे गांव में घूम के आया, न्योता खाने का दे आया। सुबह आ गए खाने सारे, खाली रसोई खाली बर्तन, खत्म हुआ मैया का कीर्तन। अब आई खाने की बारी, खाने की सब करी तैयारी। तभी कन्या एक वहां पे आई, श्रीधर खाना लाओ बतलाए। भर गए अन्न से बर्तन सारे, गांव वाले खा खा के हारे।
भैरों शिष्यों के साथ में आया, खाने को मदिरा मांस मंगाया, कंजक रूप में वैष्णो माई खाने को मदिरा मांस ले आई। जैसे ही भैरों खाने लगा भक्तों मदिरा मांस, हलवा चना वो बन गया भैरों की अटकी सांस। जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ। माँ को पकड़ने भैरों भागा, इसको मारू ख्याल ये जागा, पर्वत और थी मैया भागी, लांगुर को थी प्यास लग आई, मैया दीनी बाण चलाई, पर्वत से गंगा दी बहाई, चलते चलते गुफा थी आई, मैया भीतर आन समाई, 9 महीने तक रही वहाँ पर, भैरों कड़वे वचन सुनाए, मैया से अब रहा न जाए, गर्भ जून से बाहर आई, रूप विराट थी मैया बनाई। मैया भैरों बीच में युद्ध हुआ विकराल, शीश काट दिया भैरों का, मैया बन गई काल। जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ। कटे शीश ने नाम पुकारा, मैया मैया नाम पुचारा, दयावंत हुई वैष्णो माई, दर्श मेरा जो करके आए, फिर तेरे वो दर्शन पाए, तभी यात्रा पूर्ण होगी, कृपा मेरी तभी मिलेगी। मैया समाई गुफा के अंदर, दर्श दिखाती पिंडी बनकर, पिंडी रूप में दर्श दिखाती, ध्वजा नारियल तुम पे चढ़ाऊं, चंदन का मैं तिलक लगाऊं, रात दिना गुण गान मैं गाऊं, वैष्णो माँ की कृपा पाऊं। आओ भक्तों हम करें वैष्णो का गुण गान, वैष्णो माँ की भक्ति से पाए मोक्ष का धाम। जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ, बोलो जय जय वैष्णो माँ। जय 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 संतोषी माता, आदि जगत की तुम विख्याता, जग जननी जगदम्बे मैया, गणपति की संतान हो प्यारी, सौम्य रूप है अति सुखकारी, सबके काज संवारने वाली, एक हाथ त्रिशूल सुहाए, दूजे में तलवार समाए, तीजा हाथ आशीष लुटाए, चंदन की चौकी पे विराजे, रूप चतुर्भुज अद्भुत साजे, धरती और आकाश ये सारे आदिशक्ति भुवनेश्वरी, तुम जग की आधार, संतोषी माँ आपकी कृपा अपरंपार। जय 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 संतोषी माँ, जय 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 संतोषी माँ, जय
को कृपा आप बांटती, पूजा तीनों लोक हैं करते, संतोषी का नाम सुमिरते, गुड़ और चने का भोग है प्यारा, संतोषी करती स्वीकारा, श्रद्धा से जो नाम है लेता, खुशियां अपने नाम है करता, मैया के बल भाव की भूखी, भाव तराजू सबको तोलती, माँ के दर चलता न दिखावा, झूठ चले ना कोई छलावा, बदले कर्मों की माँ रेखा, माँ सदयालु कोई न देखा, भक्तों का माँ भाग सवारे, सबकी वारे न्यारे, संतोषी माता हमें देना अभय वरदान, जीवन भर करते रहे माँ तुम्हारा गुणगान, सारे कट जाए, जप लो संतोषी की माला, जीवन में होगा उजियाला, सूरज चंदा और सितारे संतोषी का नाम पुचारे, सृष्टि है आधीन तुम्हारी, जगती तुम्हारी आभारी, सौ सूरज सम तुम्हारा उजाला, ये अंधियार मिटाने वाला, तुमको नतमस्तक है सारे, झरना माँ ही बहाती, भक्तों पर करना बरसाती, जप लो माँ के नाम की माला, संतोषी जग की प्रतिपाला, श्वास श्वास पे नाम तेरा, हृदय तुम्हारा वास, तुम ही आशा माँ मेरी, तुम ही हो विश्वास, संतोष है देती, सबकी पीड़ा माँ हर लेती, निर्बल को बल देने वाली, मैया करे सबकी रखवाली, यश वैभव जो चाहो पाना, संतोषी का ध्यान लगाना, जग में नाम तुम्हारा होगा, काम तुम्हारा होगा, शीष पे स्वर्ण मुकुट है साजे, कानन कुंडल कंठ में सज मुक्तन की माला, संतोषी का रूप निराला, लाल हरा परिधान है प्यारा, नाम जपत है सकल संसारा, लाल चुनर में सज रही मैया, सारे जग की माँ ही के भैया, संतोषी करुणेश्वरी माँ ही दया निधान, हाथ जोड़ कर हम करें मैया तेरा गुणगान, जगत के भैया सबका रूप आप में दिखता, जनों को प्यारा लगता, लाखों माँ के नाम है प्यारे, जो कोई श्रद्धा से उच्चारे, पार लगाने आती माता, संतोषी करुणा की दाता, अक्षय पात्र को धारण करती, निर्धन को धन दान है देती, बांझों की गोदी माँ भरती, गंगा माँ की धारा, जिसने माँ का चरण पखारा, देवी देवता आरती गाए, हर पल माँ का
विष्णु शिव करे मैया का गुणगान। देवी देवता पा रहे मैया से वरदान। देख बलिहारी जाए रत्न विभूषित दर्शन पाए भक्तन माने हाल है होते नाम सिंधु मिलाते होते। जब दुनिया तेरे नाम को गाती करुणा दृष्टि माँ बरसाती संतोषी जिसने भी पुकारा मैया ने आ दिया सहारा। ज्योत प्रचंड है माँ की जगती सबसे पावन माँ की भक्ति भक्ति अखंड है मैया तिहारी। करोपकार परमोपकारी राग द्वेष तो रहे न मन में भक्ति रमे रहे हर तन में रोग शोक टिकने ना पावे संतोषी माँ दूर भगाए। आद भवानी मात को शत शत करे प्रणाम श्रद्धा से सुमिरन करो कर्मा का गुणगान। जय 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 संतोषी माँ जय 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 संतोषी माँ जय 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 संतोषी माँ जय 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 संतोषी माँ। ज्ञान प्रकाश है माता भरती अज्ञानी के तम को हरती जिस पर माँ आशीष लुटाती उसको भव से पार लगाती। अनहोनी होने ना देती भक्तों की रक्षा माँ करती माँ के समान ही स्नेह लुटाए बच्चों से माँ नाता निभाए। जिस घर में माँ वास है करती अन धन के भंडारे भरती धंधा और व्यापार बढ़ाए जो संतोषी माँ को जाए। सुख संजोग है दर पे मिलते उजड़े चमन है यहीं पर खिलते स्वर्ग हो या पाताल हो जाए सब मन के चाहे। मोह तिमिर अज्ञान का करती मैया नाश करुणा हरो करुणेश्वरी पूरण कर दो आस। जय 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 संतोषी माँ जय 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 संतोषी माँ जय 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 संतोषी माँ जय 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 संतोषी माँ। फेर लो माँ के नाम की माला जीवन में तो होगा उजाला कर से नहीं मन से तो ध्याना अभिमान को हरती भक्ति से हृदय भर देती निर्बल को बल देने वाली तू ही दुर्गा तू ही काली। भूल चूक को ही हो जाए सच्चे हृदय से क्षमा मनाए क्षमा दान मैया दे देंगी संकट तेरे सब हर लेगी। मोह माया के बंध को काटे कृपा अपनी सब पे बांटे चंदन चिलक पे माँ बलिहारी उपकारी मैया सुखकारी। धूप दीप नैवेद्य से पाठ करे चालीस एक तुम्हारे नाम से भक्तों की मिटती।